हेलो फ्रेंड, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। प्रतिशत निकालना बहुत आसान है क्योंकि हम लोग बीए एमए कर लेते हैं और प्रतिशत निकालना होता है, कोई फॉर्म फिलअप करते हैं और प्रतिशत निकालना होता है तो वहाँ पर हम मार खा जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, प्रतिशत निकालना सबसे आसान है। क्या करते हैं, अंक हो, संख्या हो, दशमलव हो या भिन्न हो, कुछ भी हो, हमें प्रतिशत निकालना है। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अंक है, यदि 5 है, 5 ले लिए, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 5 को 100 से गुना करेंगे, कितना होगा, 500% होगा। अब इसी को हमें प्रूव करना है कि कैसे हुआ ये 500% जो है। तो देखिए 500% है, 500% को यदि परसेंट हम हटा देते हैं तो नीचे क्या होगा, 100 होगा। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 होगा। अभी 2 जीरो ऊपर है, 2 जीरो नीचे है, कट गया, कितना आया, 5 आया। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ भी हो गया कि कैसे जो है ये सत्य है या असत्य है। तो देखिए 5 को परसेंट में बदलेंगे तो कितना होगा, 500%। इसी तरह 4 को बदलेंगे तो 400%। इसी तरह 10 को बदलेंगे तो कितना होगा, 1000%। इसी तरह 100 के यदि परसेंटेज बदलेंगे तो कितना होगा, 10000%। यदि डाउट है आप परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या होगा, परसेंटेज के जगह पर 2 जीरो होगा, 2 जीरो काटेंगे, सेम यही कंडीशन आ जाएगा। इसी तरह से हम भिन्न लेते, दशमलव लेते हैं, दशमलव लेते हैं तो इसमें भी क्या किए हैं, 100 से मल्टीप्लाई किए हैं और दशमलव हटाएंगे, जितने अंक दशमलव के बाद अंक है उतने जीरो देंगे, फिर जो है 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, कितना आ जाएगा, ये 25%। इसे प्रूव करना है, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, फिर सेम कंडीशन में आ जाएगा। फिर उसी तरह से इसे भी कर लेंगे। फिर इसको देखते हैं, जैसे कि आपको 500 में आपको 450 प्राप्त हुआ, इसको परसेंटेज बदलना है, इसे भी 100 से मल्टीप्लाई किए, कितना आया, 90%। फिर इसे आपको प्रूव करना है कि कैसे हुआ, तो यदि परसेंटेज को आप हटाते हैं तो नीचे क्या होगा, 100 होगा, ठीक है, फिर ये आ जाएगा, सेम कंडीशन में आ जाएगा। इसी तरह से इसे भी जो है परसेंटेज बदलना है, परसेंटेज 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 80% आएगा। इसमें यदि कोई डाउट है आपको, कोई डाउट यहाँ नहीं होना चाहिए, यदि डाउट हो तो आप जो है कॉमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं मैसेज।